बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सबको न्यू एपिसोड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ लेमन का जूस हम किस तरह स्टोर करेंगे, इसके आज मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगा। हम लेमन का जूस साल के लिए कैसे स्टोर करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है। चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 किलो लेमन लिया है, अपने छिलके वाले लेमन लिए हैं, इसको हम भी साफ करेंगे। इस तरह आपने सब नींबू को इस तरह भी साफ कर लेना है। ठीक है शुक्र अलहमदुल्ला, सारे लेमन मैंने हाफ करनी है सेंटर से। अब इसमें हम हाफ लेमन ऐड करेंगे और इसको इसमें आपने वन बाय वन करके सब लेमन को निचोड़ लेना है, सब का जूस निकाल लेना है। देखिए माशाल्लाह, लेमन का जूस मैंने निकाल के कटोरे में ऐड कर दिया है। अब इसके हम क्यूब्स बनाएंगे, फ्रोजन क्यूब्स। ये देखें, ये क्यूब्स के लिए मैंने इसमें हम लेमन जूस ऐड कर देंगे। इसको हम ओवर नाइट के लिए फ्रीजर में रखेंगे। इसकी हम टिकिया बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको एक इसकी इम्पोर्टेंट टिप बताऊंगा। देखिए माशाल्लाह, क्यूब्स बेहतरीन जम चुके हैं। 1 दिन बाद मैंने इसको चेक करा है। अब इसको हम निकाल लेंगे सबको। देखें, ये देखिए माशाल्लाह, आइस क्यूब रेडी हो चुके हैं। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, इसको आपने ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना, आपने इसको फौरन ही इस जिपर बैग में ऐड कर देना है। इसको फौरन ही आपने फ्रिज में फ्रीजर में डाल देना है, ताकि इसका टेम्परेचर है वो डाउन ना हो। देखिए माशाल्लाह, आज की रेसिपी क्यूब्स ही रेडी हो चुकी है। आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।